और चलते हैं सीधे अपने सहयोगी अंजनी के पास। इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं अब तक के अपडेट्स। अंजनी, देखिए जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन कैसे हो इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी और इस बार कोई नरमी नहीं बरती जाएगी प्रशासन की तरफ से, अगर लॉकडाउन 2 का उल्लंघन किया तो। देखिए, ये लॉकडाउन 2 का उल्लंघन करने पे सख्ती से जरूर पेश आने की बात प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूर हो रही है और की भी जा रही है। लेकिन जो तस्वीर हम रांतू रोड चौराहे पे है, चौक पे है, देखिएगा गाड़ियों का आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लोग घरों से निकल भी रहे हैं। ये आप देखिए जिस तरह से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए कि सड़कों पे किसी भी तरह का वाहन का परिचालन नहीं होना चाहिए, मेडिकल सुविधा या मेडिकल गाड़ी को छोड़कर, तो लेकिन फिर भी आप देखें कि लोगों कई लोग पैदल भी चहलकदमी कर रहे हैं और कुछ कुछ सामान लेने के लिए लोग ज़रूर बाहर निकलते हैं। तो वैसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब आप सामने एक तस्वीर देखिए, एक माँ है अपने दो बच्चों के साथ जो है कहीं कोई काम से गई होगी, अब वो अपना घर वापस लौट रही है। लेकिन गाड़ियों की जो गतिविधियां हैं वो देख करके थोड़ा हमें ये जरूर हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं पता नहीं किन कामों से निकल रहे हैं, लेकिन रातू रोड चौराहे में गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सिलसिला लगातार जारी है। तो कई गाड़ियों में तो फोर व्हीलर में सामने कुछ लगा के चिपकाया गया है कि आवश्यक सेवा बताई जा रही है, लेकिन टू व्हीलर जो की गाड़ी में जो टू व्हीलर हैं उनका भी मूवमेंट आप देखेंगे तो चौक चौराहों से इधर उधर से गाड़ियों का मूवमेंट भी जारी है। और सामने बैंक है तो कई लोग बैंक भी पहुंचे हैं, और गर्मी भी है और गर्मी के बीच में जो है लगातार लोगों का ड्यूटी करना थोड़ा सख्त हो जाता है पुलिस कर्मियों के लिए। तो ये हम देख सकते हैं कि कई लोगों का मूवमेंट जरूर है। देखिए लेकिन अंजलि, जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो किसी आम दिनों की तरह ही लग रही है, आराम से गाड़ियां चलती नजर आ रही हैं, लोगों का भी मूवमेंट है वहां पर, और पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा वहां पे, ना तो पुलिस नजर आ रही है, ना ही कोई जो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं मजिस्ट्रेट जैसे रखे गए हैं, सब जगह नाकेबंदी की गई है, यहाँ पर तो कुछ भी वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही, ना तो नाकेबंदी है, ना ही कोई पुलिस की टीम नजर है, ना ही मोबाइल वैन है वहां पर। देखिए नाकेबंदी नहीं है, लेकिन पुलिस जो है आप सामने देखेंगे पुलिस वहाँ खड़ी है और वहाँ एक टू व्हीलर को रोक कर उसे लाइसेंस और तमाम चीजें देखी जा रही है। तो पुलिस है लेकिन लगातार जो है ये सुबह से जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो ये पुलिस कर्मी भी हैं, जरूर थोड़ा थक भी जाते हैं और धूप भी है, लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा, खुद की जिम्मेदारी से इन चीज़ों को समझते हुए लोगों को निकलना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तभी देखिए इन लोगों से हम थोड़ा पूछते, थोड़ा इधर आएंगे, क्या काम से निकले थे, मास्क भी आपने नहीं लगाया? हम लोग बैंक का काम से निकले थे। मास्क नहीं है? मास्क नहीं है, रुमाल भी नहीं रखा? रुमाल है, गंदा हो गया था। अच्छा ठीक है, गलती हो गया है। मतलब क्या बैंक से पैसा निकालना? खर्चा नहीं था। फिर भी निकलते हैं, मास्क लगाइएगा ना, फाइन हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए इधर भी देखिए कई लोग हैं बेवजह थोड़ी लापरवाह जो है, लापरवाह इंसान सड़कों पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और पुलिस कर्मी रातू रोड चौक में हैं और कई गाड़ियों को उन्होंने रोका भी है। लेकिन अब ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो शहर के जो लोग हैं उनसे खुद लोगों को समझना चाहिए और इस तरह का जो लॉकडाउन 2 का पालन जो है हर व्यक्ति का पालन करने का कर्तव्य है, तो कर्तव्य खुद करना चाहिए। और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो चहलकदमी इधर हमें दिखाई दे रही है तो इससे ये साफ नज़र आता है कि लोग लॉकडाउन 2 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे लोगों पे फाइन भी कट रहा है, पुलिस कर्मी भी उधर खड़े हैं। तो लगभग हर चौक चौराहों में पुलिस ज़रूर खड़ी है, भले बैरिकेडिंग नहीं की गई है लेकिन
जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनसे पूछताछ भी हो रही है। बिल्कुल अंजनी, तो जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, हालांकि धूप भी बहुत हो रही है, तो पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस तपती दोपहर में खड़े रहना, लोगों को समझाना। लेकिन लोगों को समझना होगा कि अब प्रशासन सख्ती के मूड में है। चलते अपने सहयोगी प्रभात के पास, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए प्रभात, रांची में तो लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि आधे से ज्यादा केसेस रांची से हैं पॉजिटिव, जो मरीजों की संख्या है। क्या अभी फिलहाल जमशेदपुर के क्या हाल है? देखिए आरती, हमने सुबह के वक्त एक तस्वीर दिखाई थी कि जमशेदपुर के लोग में अब थोड़ी बहुत जरूर समझदारी आ रही है। जिस तरीके से लॉकडाउन दूसरा शुरू हो गया है, तो निश्चित है कि लोग में थोड़ी समझदारी तो आ रही है। प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है और कड़ाई से पेश आ रहा है। अनावश्यक पहले क्या होता था कि कोई भी पुर्जा या फिर थैला लेके जाते थे लोग, तो उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन अब है कि कड़ाई से पेश आ रहे हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं, बाकायदा पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ जाना है। पहले क्या होता था, कोई एक भी मेडिकल का पुर्जी दिखा दिया, उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब प्रशासन बहुत सख्ती से निपट रहा है जो भी लोग निकल रहे हैं। हालाँकि इतने धूप में हमारे प्रशासन के, हमारे पुलिस के वॉरियर जो है खड़े होकर लोगों को ये समझाने में अभी भी लगे हुए हैं कि आप अभी भी इतनी कड़ी धूप है, कम से कम धूप का तो ये रखिए, बीमारी आप को तो समझ में नहीं आ रहा है, लोग आप लोग निकल रहे हैं, लेकिन धूप है, धूप में कम से कम आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बीमारी से भी सुरक्षित रहिएगा, धूप भी नहीं लगेगा। लेकिन लोग इक्के दुक्के जो है वो कहीं ना कहीं ना समझी कर रहे हैं, लेकिन समझना होगा और लोगों को घर पे ही रहना होगा। जमशेदपुर की तस्वीर मैंने उस समय दिखाई थी, अभी भी फिलहाल आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी भी ये जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय है, उपायुक्त कार्यालय के सामने का ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि जो उपायुक्त के कार्यालय जो आ रहे हैं जो अपने काम से, उनकी गाड़ियां नज़र आ रही है। ऐसे जो गाड़ियां और दिनों की तरह नज़र आती थी, काफ़ी लोग आने जाने करते थे, हाँ, लेकिन कुछ बसें ट्रक चल रहे हैं, ये गैस की ट्रकें हैं, जो ज़रूरी सामान की जो आवाजाही है वो गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, दूध की गाड़ी है या फिर गैस की गाड़ी है, वो आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहले लोगों का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन अब वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। निश्चित है जिला प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है, ये 20 तारीख तक दिखाएगा। निश्चित है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 तारीख तक हम देखते हैं किस में कहाँ, किस जोन में क्या नतीजे आते हैं, जो कौन रेड जोन में रहता है, कौन ग्रीन जोन में रहता है, उसके बाद ये तय किया जाएगा। तो अगर जमशेदपुर के लोगों को अगर लॉकडाउन से मुक्त होना है, तो निश्चित है घरों पर रहकर दिखाना होगा राज्य सरकार को, प्रशासन को, देश की जनता को कि हाँ, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। निश्चित है जब वो इस तरीके से पालन अगर आप सही से करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों में रियायती दी जाएगी, जो बहुत सारी चीज़ों की जो बात कही जा रही है 20 तारीख के बाद आपको रियायत मिले, हो सकता है कुछ और रियायत भी दी जाए। तो इसीलिए लोगों से अपील है कि लोग घर पर रहें, निश्चित है घर पर रहिएगा तब आप इस बीमारी से बच पाइएगा। किसी को नहीं पता कि हम में है, आप में है, किस में है, किस में नहीं है, लेकिन लोग निकल रहे हैं बाजार में ये सोच कर कि हमें नहीं है। मैं कई दिनों से ये बातें कह रहा हूँ, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि हम यहाँ जमशेदपुर में तो है नहीं, कोल्हान में किसी कोई पॉजिटिव है नहीं, तो आराम से आदमी घूम रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक पॉजिटिव निकल जाता है, तो निश्चित है यहाँ के लिए भी वही स्थिति होगा जो आज रांची और बोकारो और धनबाद में भी जो सामने आ रहा है पॉजिटिव का। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों को जागना होगा, तब जाकर हम इस चैन को तोड़ पाएंगे। जी आरती, बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई कि देखिए, लेकिन जमशेदपुर में काफी लोग अब ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है, और इसलिए तस्वीरें अब बदली हैं पहले के मुकाबले वहां पर। लेकिन रांची की तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। जैसे दो लोगों से आपने बातचीत भी की, तो वो बहुत अच्छा बहाना ढूंढ कर निकाल लाए कि या उनके पास या तो मास्क नहीं है, या फिर अगर रुमाल भी है तो वो गंदा है। ये समझने की जरूरत होगी कि अगर आप खूबसूरत बहाने बना रहे हैं, तो दूसरों के लिए नहीं, खुद की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये समझना होगा लोगों को। देखिए, जिस तरह से लगातार अखबारों में हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समझदारी कहाँ जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। और एक बात ये भी है आरती की, रांची में कई इलाकों में जो है, जो सब्जी बाजार हैं वो अभी तक खुले हुए हैं, और सब्जी बाजारों में भी जो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हमने देखा कि चेहरे पे ना मास्क है ना रुमाल है, तो कई लोग बेपरवाह हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि क्या है, हिंदपीढ़ी में है, इधर क्या होगा। तो ये मानसिकता बदलनी होगी, और ये डरना होगा, डरने का समय है। डरेंगे तभी आप घरों में रहेंगे, नहीं तो फिर कोई नया रांची के कोई नए लोकेशन में यदि इस तरह से कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, तो ये परेशानी बढ़ जाएगी।
संक्रमण कहीं भी किसी से हो सकता है। जिस तरह से आप देखिए आज ये हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि हिंदपीढ़ी के इलाके से बाहर निकलना जो है संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और जिस तरह से हिंदपीढ़ी से निकलकर लोग लोहरदगा चले गए, अब लोहरदगा का प्रशासन परेशान है, तो ये समझने का है। देखिए एक व्यक्ति यदि एक जिले में चला जाएगा तो उसमें जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए तो यानी कि सबसे बड़ी बात है कि ये एक आप देखिए कि कम से कम ये है कि एक जगह हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां से मरीज सामने आ रहे हैं। अगर इसका संक्रमण रोकना है तो फिर ये लॉकडाउन का पालन भी सख्ती से करना होगा ताकि इस संक्रमण के दायरे को बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभात और अंजनी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो घरों में रहिए, डरिए, क्योंकि ये डराने वाली तस्वीर ही सामने आ रही है और डरना है। लेकिन एक चीज साथ ही साथ न्यूज 11 भारत अपील करता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि अगर आप खुद को सुरक्षित रखते हैं तो सबको ही सुरक्षित रहेगा। और इसी के मद्देनजर आपको लॉकडाउन का पालन तो करना चाहिए, बहाने ना बनाए, मास्क जरूर पहने, साथ ही साथ अगर मास्क ना हो तो गमछा हो, कोई सूती कपड़ा हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।